अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मैंने सोचा कि आज जो है ओरिजिनल व्लॉग शुरू करने से पहले आप लोगों को शुरू में ही ज़रा तीन तीन सरप्राइजेस दे दें, ठीक है, और आप लोगों को ज़रा खुश कर दें। तो सबसे पहला सरप्राइज़ ये है कि आई एम श्योर आप लोगों को वैसे पता चल ही गया होगा, बिकॉज इट्स ऑल ओवर इंस्टाग्राम एंड बहुत सारे लोग जो हमें यहाँ फॉलो करते हैं वो इंस्टाग्राम पर भी करते हैं, बट ब्लिसफुल की वैलेंटाइंस डे सेल जो है वो लाइव हो चुकी है। 15% जो है वो हमारे सारे प्रोडक्ट्स पे ऑफ है, एंड आप अपना फेवरेट डिस्काउंट कोड यूज़ कर लें, शगुफ्ता10, निगर10, याया10, हमना10, नबीहा10, इमान10, अली10, हया10, सब कोई सभी यूज़ कर लें तो उस पर आपको एक्स्ट्रा 10% ऑफ मिलेगा। तो टोटल आप लोगों को 25% ऑफ मिल जाएगा ऑन ऑल आर प्रोडक्ट्स एक्सेप्ट फॉर बंडल्स, ठीक है। तो ये सबसे पहली खबर थी। अब ज़रा स्किन केयर करते हैं साथ साथ, और आप लोगों को बीच बीच में ज़रा आपको ज़रा प्रोडक्ट इन्फो भी बताते हैं फॉर पीपल दैट आर न्यू ओवर हेयर, और ताकि आप लोग अपने लिए बेहतरीन प्रोडक्ट चूज़ कर सकें, सेल का मैक्सिमम फ़ायदा उठा सकें, और बीच में आप लोगों को सरप्राइज़ भी बताते हैं। तो मैं जो हूँ खोल रही हूँ एक एब्सोल्युटली नया बॉक्स ब्लिसफुल का, बिकॉज मैं अपना सारा सामान जो है वो हया के घर पे भूल आई थी, एंड ये डब्बा मैं किसी को देने के लिए लाई थी, बट देन आई नीड टू डू माई स्किन केयर, बिकॉज काफ़ी दिनों से मैं सिर्फ मॉइस्चराइजर लगा रही थी एंड आई मिस्ड डूइंग माई स्किन केयर। तो चलें ज़रा हम अनबॉक्सिंग करते हैं एक एब्सोल्युटली नए डब्बे की। सो दीज आर ऑल 7 ऑफ आर प्रोडक्ट्स राइट नाउ, ठीक है। मुँह तो मैं ऑलरेडी अपना धो चुकी हूँ, बिकॉज मैं नहा के आई हूँ। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट ऑफ बाय द टोनर। ये वही अनुआ लीव टोनर, सूदिंग टोनर है, जिसका मैंने आप लोगों को बताया था। अभी तक रिव्यू करना थोड़ा मुश्किल इसलिए है बिकॉज मैंने इतना कंसिस्टेंटली इसको अभी इतना यूज़ नहीं किया, बट मैंने आप लोगों को पिछले व्लॉग में भी जो है एक इसका वो बताया था कि जब मेरी स्किन थोड़ी रेड और इनफ्लेम हुई हुई होती है मैं तब ये लगाती हूँ तो फौरन सूद हो जाती है। तो ये एक इसका बेनिफिट है जो मैंने नोटिस किया है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट इट हैजंट रियली डन मच फॉर मी। बट ऑब्वियसली स्किन केयर चीज़ें जो हैं दे टेक देयर स्वीट टाइम, और उनको देना चाहिए वो टाइम। ऑब्वियसली कोई मैजिक इन अ बॉटल नहीं है, तो हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते मैजिकल रिजल्ट्स। तो खैर ये हमारा टोनर हो गया, फिर हम लोग लगाएंगे, क्योंकि AM स्किन केयर रूटीन है, हम लोग अपना अनबॉक्स करते हैं विटामिन सी, ठीक है ना। विटामिन सी जो है आपका वो आपकी डार्क स्पॉट्स, आपकी टू टोन स्किन, आपकी हाइपर पिगमेंटेशन, छाइयाँ, डल स्किन, अनइवन स्किन टोन, उसको जो है करेक्ट करता है, आपकी स्किन को ब्राइटन करता है, आपकी स्किन को इन्वायरमेंटल डैमेज से जैसे सूरज और पोल्यूशन से प्रोटेक्ट करता है। तो ये होते हैं भाई हमारे विटामिन सी के फ़ायदे। नई बॉटल हम लोगों ने विटामिन सी की खोल ली है, इसको हम लगाएंगे, ठीक है। और ये जो है आप अपनी डे टाइम स्किन केयर रूटीन में यूज़ किया करें, बिकॉज दैट्स व्हेन इट्स द मोस्ट बेनिफिशियल, ठीक है। हम इसको, हमारा जो विटामिन सी है दैट इज़ फ्रेग्रेंस फ्री, तो जिन लोगों को जो है फ्रेग्रेंस से सेंसिटिविटी है, एलर्जी है, वो ये इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड देखें लगाते ही इंस्टेंट एक ग्लो आता है, ठीक है। अब हम लोग इसको थोड़ा पैट पैट करके ड्राई होने देंगे, और फ्रेग्रेंस फ्री से याद आया, चले आप लोगों को जो है दूसरा सरप्राइज़ अपना देते हैं। दूसरा सरप्राइज़ हमारा ये है कि लास्ट व्लॉग में मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग 2 नए प्रोडक्ट्स जो हैं वो लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें से एक प्रोडक्ट हमारी सेल के साथ अनाउंस हो गया है, लॉन्च हो गया है, एंड इट इज़ आवर बैरियर रिपेयर क्लेंजर, या आप बैरियर रिपेयर फेस वॉश भी बोल सकते हैं उसको। ये ड्राई टू एक्सट्रीमली ड्राई स्किन, सेंसिटिव स्किन, एक्जिमा प्रोन स्किन, एक्नी प्रोन स्किन के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, जब मैंने ये लगाया तो मुझसे बहुत ज़्यादा लोगों ने पूछा कि ऑयली स्किन तो एक्नी प्रोन स्किन होती है, तो हाउ इज़ दिस फॉर ड्राई स्किन एंड एक्नी प्रोन स्किन। सो बेसिकली एक्नी आपको मोस्टली तब होती है जब आपका स्किन का जो प्रोटेक्टिव बैरियर होता है वो डैमेज हुआ हुआ हो, एंड हमारा जो नया बैरियर रिपेयर क्लेंजर है वो आपके स्किन बैरियर, प्रोटेक्टिव स्किन बैरियर को स्ट्रेंथन करता है, प्रोटेक्ट करता है, उसको हील करता है, तो उससे आपकी फ्यूचर एक्नी प्रिवेंट होती है। तो दैट्स हाउ इट्स रियली गुड फॉर एक्नी प्रोन स्किन एज वेल, एंड लाइक आई सेड इट्स फ्रेग्रेंस फ्री, तो एक्जिमा प्रोन स्किन जो है वो भी इसको अच्छे से यूज़ कर सकती है।
And you can obviously tell that I was very, very excited about it because I have eczema and I have dry to extremely dry skin. And this cleanser jo hai, mera koi 3 mahinon se holy grail raha hai. And I cannot survive without it because when I came here, there was no final packaged product. I had a small bottle in a प्रोडक्ट था जो मैंने इंस्टाग्राम पे भी कुछ दिन पहले लगाया था जो कि हया ने मुझसे चुरा लिया. सो लाइक यू नो यहाँ पे आके इट हैज बीन सो डिफिकल्ट फॉर मी बिकॉज आई हैव बीन सो यूज्ड टू इट. एंड ये प्रोडक्ट जो है ना बिल्कुल लाइक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का हमने बनाने की कोशिश की है. एंड आई पर्सनली बिकॉज आई हैव यूज्ड इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स ऑल माई लाइफ तो आई फील कि ये इसने जो है डिलीवर किया है. एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी 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 हैप्पी विद इट. ठीक है. एंड बहुत सारे लोग हमें बोल रहे थे कि आपके क्लेंजर में फ्रेग्रेंस कुछ लोगों को पसंद होती है कुछ लोगों को नहीं पसंद होती. तो यू नो जिन लोगों को नहीं पसंद थी वी वॉन्टेड टू केटर टू दैम एज वेल. इनशाला इनशाला हमारी बाकी भी जो चीज़ें हैं जैसे मॉइस्चराइजर हो गया उसका भी हम एक फ्रेग्रेंस फ्री वर्जन लाएंगे. सनस्क्रीन का भी फ्रेग्रेंस फ्री वर्जन लाएंगे. वी आर गोइंग टू इनशाला इनशाला बी द बिगेस्ट स्किन केयर ब्रांड इन पाकिस्तान इनशाला इनशाला. एंड वी आर गोइंग टू केटर टू एवरी सिंगल स्किन टाइप एवरी सिंगल रिक्वेस्ट ऑफ योर्स एवरीथिंग यू वॉन्ट इनशाला. हमें बस थोड़ा सा टाइम दें थोड़ा सा हम पे भरोसा करें और हम इनशाला डिलीवर करेंगे. तो ये था हमारा दूसरा सरप्राइज. लाइक आई सेड मेरे पास पैकेज नहीं है बट मैं यहाँ पे जो एक पिक्चर लगाती हूँ जस्ट यू कैन सी इफ यू हैवंट ऑलरेडी सीन इट. ठीक है. नेक्स्ट जो है हम अपनी स्किन को वाटर स्प्रे से थोड़ा डैम्प करेंगे. और अब हम लोग अनबॉक्स करते हैं अपना हाइलुरोनिक एसिड सीरम. ठीक है. अब हम लोग हाइलुरोनिक एसिड लगाएंगे. हाइलुरोनिक एसिड क्योंकि हमारा बहुत ज़्यादा थिक है तो यू डोंट नीड अ लॉट. यू जस्ट नीड लाइक 2 to 3 ड्रॉप्स. अदरवाइज अगर आप बहुत ज़्यादा लगाते हैं तो वो सही से एब्जॉर्ब नहीं होता और फिर उसके बाद आप जो भी प्रोडक्ट लगाएंगे वो बहुत पेल होगा. सो इट्स बेस्ट टू जस्ट यूज 2 to 3 ड्रॉप्स. सो वी आर गोइंग टू यूज आवर हाइलुरोनिक एसिड. This is more than enough. ठीक है जी. अच्छा सो दूसरा प्रोडक्ट क्या है वो हम अभी बता नहीं रहे हैं बट दैट इज द प्रोडक्ट जो मैंने बोला था कि आई डोंट थिंक पाकिस्तान में कोई भी बनाता है. इनशाला इनशाला आई वॉन्ट टू परफेक्ट इट. उसकी कुछ पैकेजिंग में थोड़े से इशूज आ रहे थे बिकॉज सिंस नो वन मेक्स इट इन पाकिस्तान हम लोगों को उसकी पैकेजिंग जो है वो इम्पोर्ट करनी पड़ी है और वो भी हमें ऑप्टिमम 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 चाहिए. तो इंशाल्लाह वी आर फोरसीइंग कि हम फरवरी में लॉन्च कर लें बट आई डोंट वांट टू रश. अगर वो परफेक्ट ना हुआ तो इट माइट गो अप टू मार्च एंड देन मार्च में वी हैव अनदर प्रोडक्ट लॉन्चिंग व्हिच इज आल्सो समथिंग आई एम वेरी 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 एक्साइटेड अबाउट. बहुत बहुत कम पाकिस्तानी स्किन केयर ब्रांड्स ये प्रोडक्ट बनाते हैं एंड इट्स अ प्रोडक्ट जो कि हमारे इंस्टाग्राम पे हर वक्त आवाम पूछ रही होती है कि आप ये निकालेंगे निकालेंगे निकालें. तो अभी तक जिन लोगों ने वो कमेंट किया उनको आइडिया हो गया होगा बट मार्च में इंशाल्लाह इफ नॉट इन फरवरी यू विल हैव 2 सरप्राइजेस. ठीक है. हाइलुरोनिक एसिड जो है हम अपना आप थोड़ा ड्राई होने देंगे एब्जॉर्ब होने देंगे एंड थोड़ी सी गपशप करते हैं. गपशप में जो है कि कहते हैं आप लोग मुझे बताएं कि सिंस आई एम हियर इन स्कंथोर्प एंड देयर इज नॉट रियली मच टू डू तो आप लोग मुझे कुछ कंटेंट आइडियाज़ दें बताएं कि मैं क्या कर सकती हूँ क्या बना सकती हूँ. ऑल्सो गाइज मुझे याद आया हेडबैंड देख के मैंने कल अमेजोन से एक बहुत कूल चीज़ मंगवाई एंड इट वॉज सो रैंडम लाइक सो रैंडम. एक मैं स्किन इन्फ्लुएंसर को इंस्टाग्राम पर फॉलो करती हूँ वो UK बेस्ड ही है एंड आई रियली लाइक हर. तो उसको मैंने देखा पहने भी एंड आई एम लाइक दिस इज सो कूल एंड यू डोंट इवन नो यू नीड इट अंटिल यू सी एंड देन यू रियलाइज दैट यू नीड इट. ठीक है ना. तो बेसिकली वो क्या थे जिस तरह से आपका स्किन केयर का हेडबैंड होता है उस तरह से वो छोटे छोटे इसी कपड़े के हेडबैंड थे मोटे मोटे. सो यू नो हाउ यू आर वॉशिंग योर फेस और पानी ट्रिकल होके आपका पूरा नीचे जाता है और आपके बाजू गीले हो जाते हैं. इट वॉज फॉर दैट एंड आई वॉज सो अम्यूज कि मैंने फॉरन अमेजोन से ऑर्डर किया. आई थिंक 4 pounds का था या 3 pounds का था बट वो मैं जब यूज करूंगी आप लोगों को दिखाऊंगी बट यू गाइस गेट व्हाट आई मीन. इट वॉज वेरी 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 कूल. ठीक है. अब हम लोग लगाते हैं अपना मॉइस्चराइजर बैरियर रिपेयर मॉइस्चराइजर. आज जो है मैं सनस्क्रीन नहीं लगा रही हूँ बिकॉज यूवी इंडेक्स जो है वो यहाँ पे ऑलमोस्ट एवरीडे बहुत ही लो है. यू डोंट नीड सनस्क्रीन. आप लोगों ने हमेशा मुझे सुना होगा बोलते हुए कि इवन ऑन क्लाउडी डेज यू नीड सनस्क्रीन बिकॉज इवन ऑन क्लाउडी डेज समटाइम्स यूवी इंडेक्स हाई हो सकता है. सो आपको कैसे पता चलता है कि यूवी इंडेक्स क्या है? अगर आप अपनी वेदर वाले ऐप पे जाएं जो कि आपके आईफोन पे होती है वेदर वाली ऐप उसमें यूवी इंडेक्स का कॉलम होता है. सो इफ द यूवी इंडेक्स इज 1 or 2
और इवन 3 यू डोंट रियली नीड सनस्क्रीन, बट वो पूरे दिन में देख लिया करें, पता चले आप ना लगा के निकलें एक ऐसे दिन पे जब आपको सनस्क्रीन की जरूरत नहीं है, बट इन दी एंड यूवी इंडेक्स ऐसा हाई हो जाए कि आपको सनस्क्रीन की जरूरत पड़ जाए, ठीक है ना। तो आज यूवी इंडेक्स 1 है, सो वी डोंट नीड सनस्क्रीन, मॉइस्चराइजर लगाते हैं। और अभी मुझे यहाँ से नज़र आया है कि कोई हमारे घर आया है, तो हम ज़रा एक पॉज लेते हैं और वापस आते हैं मॉइस्चराइजर मल के। ओके आई एम बैक, आई जस्ट रियलाइज कि वो हमारी हेल्प आई है। हम लोगों ने जो है फर्नीचर का ऐप पे एड लगाया हुआ है कि जिसको भी आना है आके देखे और ले जाए, तो आई थॉट कि शायद कोई वो लेने आया, तो मैंने सोचा कि ज़रा जाके उनको असिस्ट करूँ, बट हेल्प को तो मम्मा भी असिस्ट कर लेंगे। ठीक है जी, मॉइस्चराइजर हमारा हो गया, आई एम गोइंग टू अप्लाई अनदर लेयर बिकॉज मम्मा मैडा मम्मा डर गई थी, मम्मा ने मेरे डर के बात ही नहीं है, चलती हूँ कोई आ गया देखने के लिए। ठीक है जी, ये हमारा मॉइस्चराइजर हो गया है एंड आर ए एम स्किन केयर रूटीन इज डन। तीसरा सरप्राइज तो मैंने आप लोगों को बताया नहीं, सो तीसरा सरप्राइज ये है कि हमने जो शीनी आंटी के साथ पॉडकास्ट की थी वो लाइव हो गई है, उसका मैं लिंक नीचे लगा दूंगी, ब्लिसफुल की वेबसाइट का लिंक नीचे लगा दूंगी, नए क्लेंजर का मैं लिंक नीचे लगा दूंगी। हैप्पी शॉपिंग, आई होप यू गाइज एंजॉय द पॉडकास्ट, मुझे प्लीज बताइएगा कि आपको कैसी लगी। आई फेल लाइक इट वाज रियली रियली फन एंड मच बेटर देन लास्ट टाइम। बहुत सारी हमने बिजनेस एडवाइस दी, बहुत ज्यादा लाइफ के मसले मसाइल शेयर किए, अपनी पास्ट, अपना चाइल्डहुड की ट्रॉमास, कुछ एक्सपीरियंसेस सब शेयर किए। ऑल्सो गाइज जो नया क्लेंजर है वो भी सेल पे, सो आई फील इट्स अ स्टील डील बिकॉज इट हैज सेंटेला, एंड सेंटेला बहुत नॉर्मली सेंटेला वाली चीज़ें काफ़ी एक्सपेंसिव होती हैं, बट द क्लेंजर इज जस्ट फॉर 1487 रुपीज ऑन सेल एंड दिस इज आफ्टर 15%। अगर आप 10% और उस पर करें डिस्काउंट कोड लगाएं तो 10% फर्दर ऑफ हो जाएगा। सो ओके गाइज अब जो है आप लोग देख सकते हैं बाकी का व्लॉग एंड आई होप यू गाइस एंजॉय, इट वाज अ रियली रियली फन डे, हाय और तला के साथ बहुत मज़ा आया एंड फिर स्कंदौर पाके मामा के पास आके भी बहुत मज़ा आया, काम में लग गए बट इट्स स्टिल फन, तो एंजॉय द व्लॉग। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। अभी जो है सुबह के 10 बज रहे हैं और मैं जो हूँ अपनी ठीक ठाक नींदें करके पूरी उठी हूँ बिकॉज आई स्लेप्ट लाइक अराउंड 11 और मे बी आई थिंक 10 PM। हम लोग जैसे ही वहाँ से मेन मार्केट स्ट्रीट से जो है वापस आए, मैं तो फ़ौरन क्रैश करके सो गई, 2-3 घंटे जो है मैं सोफे पे सोई, उसके बाद हयात और तरह ने बिस्तर बना लिया तो हम लोग ऊपर जाके सो गए, तो इट वॉज़ वेरी वेरी फन। अभी जो मैं सुबह उठी हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ ज़रा बाहर के सीन्स, आप लोगों को नज़र तो आ गया होगा, बर्फ़ पड़ गई है वैसे बैकग्राउंड में, लेकिन अभी आप लोगों को सही से भी दिखाती हूँ। दिस इज़ माई फर्स्ट एवर टाइम एक्सपीरियंसिंग स्नोफॉल। इससे पहले हम लोग मरी में हॉस्टल में पढ़ते थे, तो हम लोगों को जो है ना विंटर वेकेशन में 3 महीने की छुट्टियाँ मिलती थी, तो तब जब हम लोग जा रहे होते तो हम लोग उठते थे तो बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ी हुई होती थी, बट आई हैव नेवर सीन लाइक एक्चुअल स्नोफॉल, दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम। एंड बहुत सर्दी हो रही है बट सरप्राइजिंगली इतनी ज़्यादा मुझे नहीं फील हो रही जितनी इस्लामाबाद में चुभती है। लाइक कल भी हम लोग जब मार्केट स्ट्रीट गए थे तब 2 या 1 टेम्परेचर था और मैंने यही पहना हुआ था, बट मुझे बिल्कुल सर्दी नहीं लग रही थी। तो आज का प्लान ये है कि आज मम्मा जो हैं वो जा रही हैं स्कंदौर एंड आई एम गोइंग टू स्पेंड द नाइट विद हया एंड तलहा, और बिकॉज मुझे यहाँ पर जो है कुछ काम है तो वो लोग जो है मम्मा जो है जा रही हैं, देन आई विल जॉइन हर टुमारो इंशाल्लाह। तो अभी जो है ये कहते हैं चल के ज़रा कॉफ़ी बनाते हैं, नाश्ता शाश्ता करते हैं, मम्मा अभी नहीं उठी तो नाश्ता शाश्ता करते हैं और फिर लेट्स गो अबाउट आवर डे एंड टेक यू विद अस इंशाल्लाह। गुड मॉर्निंग शाइमू, खोलो की जान इन्ना पाला इन्ना पाला, ये कौन है? कीकी है, ये फीफी है, कीकी कौन है? अच्छा कीकी अडॉप्ट हो गई, ओ फीफी फीफी मैं तुम्हारी फेवरेट हूँ ना, कल तुमने बता दिया था अपने अब्बा को, ऐसा ही है, बिस्ती हो गई थी बिस्ती। ये क्या निकल रहा है? डबल एस्प्रेसो शॉट निकल रहा है, एक ही निकलता इसमें, ये कॉफी शॉप वाला, इसमें फ्लेवर होते हैं टॉफी नट लाटे, एस्प्रेसो ओनली, एस्प्रेसो 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 लिखा हुआ है, तो उस पर टॉफी नट लाटे लिखा हुआ है, एस्प्रेसो फॉर दैट लाटे सेट के साथ, तो हया इसी में होंगे ना नोट्स? इसमें नोट्स नहीं है, वो हमारी सब्सक्रिप्शन कैंसिल हो गई थी ना। क्या पका रही हो? मशरूम एंड चीज ऑमलेट, ऑमलेट ऑमलेट। हया कांटा क्यों मार रही हो फ्राई पैन में?
मशरूम में कर रही हूँ मैं, स्पैचुला से कर लो वो ऑमलेट आएगा तो फिर करोगे ना। ये भाई न्यूज़ चल रहा है, साथ में हया मैडम का जो है और मज़ीद, अभी मैंने पाकिस्तान में इतना इसको दिया था ब्लिसफुल, बट शी वांट्स मोर, तो ये दे दिया है। अब हम लोग जरा सिटिंग हियर होपिंग फॉर द बेस्ट, दुआएं कर रहे हैं। गाइस ये स्नोफॉल जो है कुछ ज़्यादा ही इंटेंस हो गई है, आई नो कि अभी यहाँ से इतनी ज़्यादा नहीं लग रही बट इट हैज़ गॉटन इंटेंस। So guys, my sister got me flowers. So cute. मम्मा बना रही मैदे के पराठे आज कोयटा होटल, बहुत मजे के मम्मा बैठे बैठे खा गए हम आता। तो ऑमलेट जो उसने इतनी मेहनत से बनाया उस, वो उसका क्या होगा, हम कब खाएंगे, मुझे भूख लग रही है। बस ये एक रह गया, पांच मिनट भी नहीं लगेंगे, मैं इसीलिए कह रही हूँ मेरी चाय बना दो हया। मैं बना रही हूँ मम्मा। ब्रेकफास्ट इज रेडी, ये नीचे जो है हया का ऑमलेट है, मशरूम चीज ऑमलेट, हैश ब्राउन्स, नो आइडिया व्हाट दीज आर, मम्मा के पराठे जो कि मैं तब से निबल किए जा रही हूँ। चले जी गाइस मैं नहा धो के जो है तैयार हो गई हूँ, और ये जो है हया की बिल्ली के साथ जो है मैं खेल रही हूँ। इतनी कोई ये फन बिल्ली है ना, इतनी इंटरैक्टिव, बिल्कुल लेज़ी। ये देखो करीब कुछ ज्यादा ही करीब ले आई मैं। ये मैडम अभी अपनी अनपैकिंग कर रही हैं। देख रहे हैं आप मेरा हाल। इतनी जेंटली खेल रही है। अभी सो के उठी है ना, थोड़ा टाइम लगेगा इसको उठने में। ये हया ने मुझे जबरदस्ती अपनी बीनी बना दी है। आई थिंक इट लुक्स क्यूट। इसे सही से करते हैं, सही से। ये देखो अरे बेचारी इतनी क्या कर रही है, उसको परेशान कंफ्यूज लग रही है वो। गाइस अब हम लोग आए हैं ट्रैफर्ड सेंटर निबी और काशिफ के साथ। हेलो, तलह अपना न्यू स्वेटर तो दिखाओ जरा, यूनिक्लो बैंड वैगन पे चढ़ा दी हमने तलह को। अली सबसे ज्यादा खुश होगा ये सुन के। यस गाइस हम लोग जैसे ही अंदर आए, मैंने अपने नए न्यू बैलेंस पहने हुए थे और हया मुझे पता नहीं कौन सी कीचड़ में ले गई एंड मेरे सारे वाइट न्यू बैलेंस गंदे हो गए लिटरली, उन पे वो पॉटी वाला कीचड़ नहीं होता वो लग गया। तो खैर आई गॉट न्यू वंस, नॉट बिकॉज वो गंदे हो गए, बिकॉज जैसे ही हम लोग स्टोर के अंदर आए मुझे एक न्यू बैलेंस नज़र आया जो कि मैं बहुत अरसे से लेना चाह रही थी। मुझे अपना साइज़ वहाँ मलेशिया थाईलैंड सिंगापुर में कहीं नहीं मिल रहा था उनमें, एंड आई फाइनली गॉट देम। लेट मी शो यू, ये वाले हैं भाई, दीज लुक वेरी सिमिलर टू माई ओल्ड वंस बट दे आर लिटिल डिफरेंट एंड आई लव देम। नहीं मैंने ले लिया गाइस, आई लाइक बास्किन रॉबिन्स की मिंट चॉकलेट ओनली। बोल दो तुम भी टूथपेस्ट, मिंट चॉकलेट का द टूथपेस्ट हां वैसे मैं खा रही हूं कोकोनट बाउंटी इन अ कोन। चलो जी गाइस शॉपिंग वॉपिंग करके जो है अब जा रहे हैं घर। हां हया ने जो है आज अच्छी खासी शॉपिंग की है। नए टाइम साइमन कितना पतला सा लग रहा है। नो साइमन इट्स लॉस्ट वेट। साइमन यार कितना साइज डिफरेंट है फ्लफी और फीफी में। बड़ी बहन भाई वो बाप बेटी देखे ना आप, वो 2 साल के बाप है और वो 1 साल की भी नहीं है बेटी। साइमन Guys, we are back home, और ये fluffy madam जो हैं cuddles करा रही हैं। तला साहब जो हैं वो house cleaning कर रहे हैं।
और साथ साथ हम ये ज़रा इलेक्शन रिजल्ट्स देख रहे हैं कब से। क्या लग रहा है आपको भाई? पीटीआई लग रहा है, लग रहा है अरे माशाल्लाह सफाई भी करते हैं आप। ये थोड़े जरासीम मेरे हस्बैंड में भी डाल दें। यूके आएंगे वो उनमें ऑटोमेटिकली आने पड़ेंगे। सलाम अलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू डे 2 ऑफ दिस व्लॉग। अभी जो है कोई 10 बज रहे हैं और मैं अभी अभी उठी हूँ एंड अभी तक घर में जो है कोई नहीं उठा। आज मैं जा रही हूँ स्कंथोर्प वापस। रास्ते में जो है अराउंड 2 PM मुझे जो है अपना एक काम करना है जिसके लिए मैं आई थी, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह वो अच्छे से हो जाए। देर वर अबाउट 3 फेजेस जिनमें मुझे ये करना था, तो एक जो है वो कल सुबह हो गया था, कल दोपहर में, एक अभी, एंड देन नेक्स्ट इज़ ऑन द 15th आई थिंक। तो इंशाल्लाह दुआओं में याद रखिएगा कि अच्छे से हो जाए। एंड अभी जो है लाइक आई सेड कि कोई ये है कि बिल्लियाँ जो है ना बहुत नॉटी हुई हैं, अभी कोई उठा नहीं है, सो आई एम गोना मेक माई सेल्फ सम कॉफ़ी। पहले इन लोगों ने मुझे बिठा के मूवी दिखाई और मैं जो हूँ आधी मूवी में सो गई। आई एम दैट पार्टी पूपर। तो फिर जब मूवी ख़त्म हुई तो उन्होंने मुझे उठाया और बोला कि मूवी ख़त्म हो गई, ऊपर जाके सो जाओ। ये जो है ना हया और तलहा ने एक दूसरे के लिए लिखा हुआ था, तो मैंने साइड पे थोड़ी सी एडिशन की है। जी जी फ्लफी फीफी और फ्लफी, ये मेरा सूटकेस है, ये आपके लिए घर नहीं लेके आई हूँ मैं। चलो जी दूसरी भी मैडम जी। कॉफ़ी इज़ रेडी एंड ये मैडम फाइनली उठ गई हैं। गुड मॉर्निंग। एक्सक्यूज़ मी, मैं जब से उठी मैं तब से अकेली घूम रही हूँ पूरे घर में। शर्म नहीं आती मेहमानों को बुला के सो गई हो? ये हया मेरे लिए नाश्ता बना रही है। क्या बना रही हो हया? चीज़ क्रोसॉन। और ये हया की नो सॉस है, और ये हया की हॉट कॉफ़ी, ये मेरी कोल्ड कॉफ़ी। गाइस चले जी, गाइस मैं जा रही हूँ स्कनी अपने बहन भाई को छोड़ के। एक ना मिस मी, तीन दिन में ना, एक ना मिस मी डोरा। यस भूल नहीं जा रहे होते, वैसे उनकी मामा उनको लंच देती हैं, वैसे दे रही है, जबरदस्ती सबको देती है, ले जाओ ये खाना तुम रास्ते में। ख्याल रखती हूँ। मैं जो हूँ ट्रेन स्टेशन आ गई हूँ एंड अबाउट टू कैच माई ट्रेन। लुक एट दैट क्यूट डॉग, अबाउट टू कैच माई ट्रेन। मेरा प्लेटफॉर्म 13 है। अभी जो है कोई आई थिंक 2:50 हो रहे हैं, 3:13 पर जो है मेरी फ्लाइट है, फ्लाइट बोल रही हूँ, ट्रेन है। सो आई हैव सम टाइम टू जस्ट एक्सप्लोर अराउंड। चलें जी, आई क्विकली ग्रैब्ड अ केबल दैट आई हैड टू गेट फॉर माई पावर बैंक, मैं भूल गई थी, तो ये मैंने ली है। अब ज़रा अपने प्लेटफॉर्म पे चलते हैं। स्टेशन पे आ गए हैं एंड आई एम जस्ट वेटिंग फॉर माई ट्रेन नाउ ऑन द प्लेटफॉर्म। पता लगा लें कि मैं पहुंच गई हूं अपनी माँ के पास, जिनका फेवरेट काम है बस खाना खिलाना, खाना खिलाना। ये क्या पक रहा है? मटन कढ़ाई और ये आलू के समोसे। और अभी चाय तो आप पीती नहीं है, तो मैं तो पीऊंगी चाय सिद्रा के साथ। मतलब फुल मोटा करके भेजना है ना आपने मुझे यहाँ। कढ़ाई तो हेल्दी होती है बेटा, गोश्त में ताकत होती है। और आलू के समोसे जो आप इतने ज्यादा तेल में तल रहे हैं। नहीं, बहुत कम तेल में, मैंने डीप फ्राई नहीं, शैलो फ्राई कर ली। प्रेशर कुकर के बगैर कहाँ आ रही है, कैसे गलेगा गोश्त? बस अभी
चार घंटों में सभी तो समोसे और वो खाएंगे। तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू डे 3 ऑफ दिस व्लॉग। कल रात में मम्मा ने इतने मज़े की कढ़ाई बनाई थी, उफ आई थिंक इट वाज द बेस्ट कढ़ाई शी हैज़ एवर मेड। और कोई प्रेशर कुकर नहीं, खुद गोश्त, इतना मक्खन मलाई गला हुआ था कि हम कुछ ज़्यादा ही कैरेट अवे हो गए। फिर हम लोग जो हैं कुछ बैग शैग्स लेने के लिए गारबेज बैग्स टेस्को गए। फिर उसके बाद जो है हम लोगों ने थोड़ा सा शो देखा, इट्स कॉल्ड माई ऑन नेटफ्लिक्स, मैंने देखा हुआ था तो मम्मा को मैंने दिखाया, इट्स रियली रियली नाइस, यू गाइस शुड वॉच इट। और फिर उसके बाद जो है हम लोग सो गए। मैं अभी उठी हूँ, अभी कोई नहीं उठा, तो मैंने सोचा ज़रा कुछ कॉफ़ी का जुगाड़ करते हैं, क्योंकि कॉफ़ी मशीन तो यहाँ नहीं है। तो देखते हैं व्हाट आई एम गोइंग टू डू, बट पहले थोड़ा फ्रेशन अप हो जाऊँ और फिर उसके बाद जो है कॉफ़ी का करते हैं हम। अल्हम्दुलिल्लाह काम जो मैंने कल करना था वो हो गया था, नो अपडेट येट, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से हो गया, बट अभी कुछ नहीं पता कि क्या है क्या नहीं है। I'll keep you guys posted on that। और अभी ज़रा चल के जो है नाश्ता और चाय नहीं सॉरी कॉफ़ी का करते हैं। बस कल मैंने फ्राइज डाले थे बाहर, अरे देखें इतने प्यारे प्यारे ओके ओप्स, आई थिंक मुझे देख के उड़ गए, तो प्यारे प्यारे कबूतर आए हुए थे फ्राइज खाने के लिए। सो मैं अपनी जो है वॉच है आके घर पे भूल आई हूँ, मुझे इतना हैंडीकैप फील हो रहा है उसके बगैर बहुत ज़्यादा। चलिए जी गाइस, नहा धो के फ्रेशन अप हो के ज़रा मैं जा रही हूँ सेंसबरीज, क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया था ना कॉफ़ी मशीन नहीं है, तो वहाँ से मैं मेरे पास वो जो मैनुअल, आई डोंट नो, जो लोग मुझे पहले से फॉलो करते हैं उनको याद होगा कि मैं बहुत पहले एक मैनुअल नेस्प्रेसो लेके आई थी। तो वो मैनुअल नेस्प्रेसो के अंदर जो ना छोटे वाले ओरिजिनल लाइन के पॉड्स डलते हैं, तो वो लेती हूँ, ज़रा उससे काम चल जाएगा। एंड दूसरा जो है मुझे, हम लोग जब एग्ज़ाम के लिए आए थे तो हम लोगों ने सेंसबरीज के एक हलूमी फ्राइज डिस्कवर किए थे, वो बहुत ज़्यादा खाने का दिल चाह रहा है, तो वो लूँगी। और आई विल सी, बाहर आके मुझे भाई ग्रोसरी करने का बड़ा मज़ा आता है, तो देखेंगे और क्या लेना है। एंड या आई थिंक दैट्स अबाउट इट। मम्मा को जो है लगता है कि मैं कॉफ़ी से एडिक्टेड हूँ। सही है, आई पर्सनली थिंक आई एम नॉट एडिक्टेड, क्योंकि जब हम लोग कहीं बाहर वाहर जाते हैं जहाँ पे कॉफ़ी एक्सेसिबल नहीं होती, मैं आराम से छोड़ देती हूँ, नहीं पीती। बट राइट नाउ आई नो कि मेरी रीच में है, मैं जा के ला सकती हूँ, मेरी अच्छी सी वॉक भी हो जाएगी, मैं सेंसबरीज भी देख लूँगी, तो यू नो लाइक आई एम जस्ट गेटिंग इट, तो इसलिए जो है मैं जा रही हूँ लेने के लिए। तो गाइस आप लोग बताएं व्हाट यू थिंक। ये कुछ नज़ारे हैं स्कनथॉर्प के, बहुत ही क्लाउडी रेनी सा मौसम हो रहा है, थोड़ी सी धूप निकली थी तो मज़ा आया था, बट आई लव यूके की फील्स, लाइक यू नो ये सारे रेड ब्रिक वाले हाउसेस, और बहुत ही मुझे अच्छा लगता है यूके। तो मैं जितने भी लोगों से मिलती हूँ जो यहाँ रहते हैं, दे आर पर्सनली नॉट हैप्पी एट ऑल। और जिन पाकिस्तानियों से मैं मिलती हूँ, मैं उनसे पूछती हूँ कि अगर आपके पास चॉइस होती वापस जाने की, वुड यू गो बैक, एंड ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम से यस। तो आई डोंट नो क्या सीन, आई थिंक यहाँ पे लाइफ थोड़ी मुश्किल है, थोड़ा इकोनॉमिकल क्राइसिस भी है, और बहुत सारे फैक्टर्स हैं ऑब्वियसली, स्पेशली डॉक्टर्स, बिकॉज NHS जो है बिल्कुल क्रैश किया हुआ है, और यू नो देर अंडर पेइंग, ओवर वर्किंग, सो आई एम नॉट श्योर, बट आई थिंक वो एक मेजर रीज़न है। अरे ग्रोसरी शॉप जो है वो तो बड़ी ज़बरदस्त चल रही है। मैंने बोला जो लोग यहाँ रहते हैं उनको तो पता है, लेकिन जो नहीं रहते उनको भी दिखा दूँ कि यहाँ पे भी परदेस में भी देसी चीज़ें कितने आराम से मिल जाती हैं। हमारे शान के मसाले, निमको शिमको, चिप्स विप्स, आपे रस्क, जो भी आप बोल रहे हैं। और ग्रोसरी शॉप इज़ डन, अब ज़रा घर चल के कॉफ़ी पीते हैं। बस घर आके मैंने अपनी कॉफ़ी बना ली है, लग बहुत मिल्की रही है लेकिन इतनी नहीं है। इट टेस्ट रियली नाइस, का जो पॉड मैंने यूज़ किया वो बहुत डार्क रोस्ट था, तो अच्छा फ्लेवर है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ ज़रा, दिस इज़ व्हाट द मैनुअल नेस्प्रेसो लुक्स लाइक। इसका इस तरह का एक पंप है, ठीक है। यहाँ पे जो है आपका, यहाँ पे जो है कहाँ जाता है, यहाँ पे जो है आपका पॉड जाता है, जो कि सिर्फ ओरिजिनल वाला डलता है, छोटे वाला, ठीक है। फिर उसके ऊपर जो है आप उसको ऐसे बंद कर देते हैं, ये आपको इसके अंदर नज़र आ रहे होंगे, ये पॉट को पियर्स कर देते हैं, एंड देन इसके अंदर आप गर्म पानी डालते हैं, इसको फिर से बंद करते हैं, एंड देन यू स्टार्ट पंपिंग योर एस्प्रेसो आउट। तो इट इज़ जस्ट लाइक एन एस्प्रेसो मशीन वाला।
मुझे ऑनेस्टली अब याद भी नहीं है कि मैंने कौन से पेज से मंगवाया था, लेकिन इंस्टाग्राम पे किसी कैफीन एंड को या कुछ इस तरह के पेज से मंगवाया था। अगर आप मिनी प्रेसो लिख दें गूगल पे तो मे बी यू शुड बी एबल टू फाइंड इट। जी गाइस, टाइम फॉर लंच स्लैश ब्रेकफास्ट। ये मैंने बनाया है ब्रोकली एंड चीज पास्ता। यस माँ। चलिए जी गाइस, पूरा दिन जो है हम लोग काम शाम में लगे हुए थे मम्मा के साथ, एंड अब जो है फारिग हुए, थोड़ी शाम हुई है तो भूख उठी है। लास्ट टाइम में जो है वीडियो में पास्ता खा रही थी मैं, अभी उस बात को जो है 3-4 घंटे 5-6 घंटे हो गए, तो मैंने सोचा ज़रा हम लोग इवनिंग स्नैक्स बनाए, तो हम बना रहे हैं चिकन टेंडर्स नहीं, चिकन पॉप्स और हलूमी फ्राइज और मैक एंड चीज़ बाइट्स। तो वो ज़रा खाते हैं, साथ में अपना शो देखते हैं। माई 6 एपिसोड है उसके टोटल, उसमें से 3 हम देख चुके हैं, तो आज ही आई थिंक ख़त्म कर लेंगे। चलिए जी, ये हमारा प्लेटर हो गया है, साथ में पेलिनीस हो गए, ये ज़रा लेके चलते हैं। चलिए जी गाइस, फिर से किचन में, बट सीन ये है कि मम्मा को जो है ये घर इस कंथौड़ पला वो क्लियर करना था, चीज़ें पैक वैक करनी थी, चैरिटी करनी थी, बहुत कुछ करना था। तो हम लोग जो है सुबह से, मैं मम्मा और सित्रा एंड द हाउस हेल्प, हम लोग लगे हुए हैं मेकिंग बॉक्सेस एंड एवरीथिंग। तो यहाँ पे ये भी बड़ा मसला है कि आपको हर चीज़ देख देख के डालनी होती है, रिसाइकलिंग का क्या है, रबिश का क्या है, जनरल वेस्ट क्या है, चैरिटी क्या है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट एंड वी आर सुपर टायर्ड। तो खैर उसके बाद हम लोगों ने और काम किया, गैराज जाके क्लियर किया। अब हम लोग जो हैं थोड़ा चिल कर रहे हैं और मैं खाना बनाने आई हूँ मम्मा का, तो उसी से जो शाम में हमने स्नैक्स बनाए थे उसी से पेट भर गया था। सिद्रा इज़ हैविंग अ रैप, मैं अपने लिए बना रही हूँ थोड़ी फैंसी सी रैवियोली। सो ये जो है मैं लेके आई थी सेंसबरी से, इट्स बेसिल एंड पाइन नट रैवियोली, इसमें रिकॉटा चीज़ है, साथ में सॉस मैं इसकी बनाऊँगी, टोमेटो एंड रिकॉटा पेस्टो। फिर ज़रा पानी बॉयल हो जाए, फिर इसमें अपनी रैवियोली डालते हैं। पांडवों के बीच में मम्मा कैरियोकी कर रही है, बैकग्राउंड म्यूजिक देखती है। Also guys, I found halal gummies at Sainsbury's and these are so nice. ये भाई हमारी रैवियोली ऑलमोस्ट रेडी है, सॉस में हम लोग इसको लथेरने हैं, एंड माई वेरी यमी रैवियोली इज रेडी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू डे, आई डोंट रिमेंबर एट दिस पॉइंट ऑफ दिस व्लॉग। मैं सोच रही हूँ कि जब तक हम लोग काम वाम कर रहे हैं, घर वर की पैकिंग वगैरह कर रहे हैं, तब तक ज़रा व्लॉग ना ही करूँ, बस कुछ होता ही नहीं है व्लॉग करने को। तो वंस आई गो बैक टू मैनचेस्टर देन मे बी आई कैन स्टार्ट व्लॉगिंग अगेन, बिकॉज ऑनेस्टली लाइक सुबह एक वीडियो बनती है, रात में एक वीडियो बनती है, बस व्लॉग ख़त्म। तो कल जो है वी गॉट अल्हम्दुलिल्लाह अ लॉट ऑफ स्टफ डन, होपफुली आज या कल में वी आर होपिंग टू फिनिश अप। अभी चल के ज़रा अपनी कॉफ़ी बनाते हैं, ठीक है। मैंने सोचा कि आप लोगों को दिखा दूं कैसे वो ऑपरेट होता है, तो वो भी आप लोगों को दिखाते हैं। अच्छा जी गाइस, सो ये जो है हमारा मिनी प्रेसो, ठीक है ना। इसको हम लोग खोलेंगे सबसे पहले यहाँ से, इसका कवर, ये कप यू कैन से, इस तरह का एक पार्ट है, इसमें हम लोग डालेंगे अपना पॉट, ठीक है। पॉट डाल के हम इसको जोर से बंद कर देंगे, लाइक वेरी टाइट, वेरी टाइटली, ठीक है। फिर इसका हम लोग ये वाला पार्ट खोलेंगे और इसमें हम लोग डालेंगे 40 ml ऑफ वाटर, हॉट वाटर। ये हमारा हॉट वाटर हो गया, अब हम लोग इसको नीचे अटैच करते हैं वापस, बी केयरफुल बिकॉज़ द वाटर इज हॉट, ठीक है। फिर इसका ये जो पंप है हम ये खोल देंगे, एंड नाउ वी आर गोना स्टार्ट पंपिंग आउट आवर एस्प्रेसो।
अच्छा जी, आप ये देखें कि जो एस्प्रेसो निकला है इट्स लाइक लिटरल फ्रेशली ब्रूड एस्प्रेसो। लास्ट टाइम जब मैंने ये किया था, मुझसे बहुत ज़्यादा लोगों ने पूछा था कि व्हाई डोंट यू जस्ट यूज़ इंस्टेंट कॉफ़ी, तो दिस टेस्ट लाइक फ्रेशली ब्रूड कॉफ़ी। इसका बिल्कुल इंस्टेंट कॉफ़ी जैसा फ्लेवर नहीं होता, और कोई बंदा जो कि यूज टू हो टू फ्रेशली ब्रूड कॉफ़ी या एस्प्रेसो या ब्रूड कॉफ़ी, दे कैन नेवर ड्रिंक इंस्टेंट कॉफ़ी। जो लोग पीते हैं उनको वो समझ सकते हैं। तो चलिए हम लोग अपना दूसरा पॉड निकालते हैं और फिर अपनी कॉफ़ी बनाते हैं। मैं जो इतने दिनों से के लिए कोई नया सिरप नहीं ख़रीदना चाह रही थी, तो ये ऑलरेडी पड़ा हुआ था घर में, साथ में ये जो है सिरप्स के सेट्स भी पड़े हुए थे, एंड ये भी सॉस पड़ी हुई थी। सो आई एम जस्ट गोना यूज़ सम ऑफ दिस एंड सम ऑफ दैट। ये हमारा लैक्टोज फ्री मिल्क। क्या नाश्ता कर रही है मम्मा? मैंने अभी नाश्ता किया है अपना फेवरेट बटर जैम के साथ टोस्ट और चाय का। और अभी क्या करने लगी? अभी चीजें भी समेट रही हूं। कौन सी चीजें? क्या ये हमारी कॉफी तार है? यू वांट टू ट्राई शकुफ्ता? नो ऑफ कोर्स यू डोंट। ये मम्मा की उस दिन की 4 दिन पुरानी कढ़ाई। 4 दिन हो गया ना? 3 दिन हो? 2 दिन। 3 दिन मम्मा? 2 दिन बेटा। तो ये 3 दिन बाद और भी मज़े की, साथ में नान, साथ में हम देख रहे हैं खाई खाई खाई। चलिए जी गाइस, मैंने सोचा कि ज़रा वॉक पे चलते हैं। जो मैंने कब से प्लान किया हुआ था कि रोज़ वॉक किया करूँगी, वो आज फाइनली थोड़ा सा काम सेटल हुआ है तो पुल ऑफ कर ही लिया। एंड हम लोग जो हैं इसके बाद हम लोगों को जाना है कुछ काम करने। सबसे पहले तो हम लोगों को एशियन मार्केट, जो कि पाकिस्तानी मार्केट है यहाँ की, वहाँ जाना है पैकिंग कार्टन्स लेने के लिए। फिर हम मम्मा को प्राइमार्क से जो है सूटकेस लेना है, और मुझे भी एक लेना है बिकॉज़ मामा बोल रही थी कि उनका काफ़ी सारा सामान मुझे भी वापस लेके जाना है, मेरा तो सूटकेस छोटा है, इतना बड़ा नहीं है। तो आई विल गेट अ न्यू वन टू फ्रॉम प्राइमार्क। वो जो कपड़े के होते हैं जो थोड़े हल्के होते हैं, वो ज़रा ज़्यादा बेहतर ऑप्शन होता है लेने के लिए। एंड देन एक जगह है यहाँ पे विच इज़ कॉल्ड ब्रिटिश हार्ट फाउंडेशन, जो कि एक फर्नीचर शॉप टाइप होती है, और उसमें क्या होता है कि आप उनको जितना भी फर्नीचर डोनेट करते हो वो उसको बेचते हैं, एंड वट एवर दे मेक ऑफ ऑफ इट वो डोनेट करते हैं टू अ हार्ट फाउंडेशन, बेसिकली हार्ट पेशेंट्स का मुफ्त इलाज कराने में। वो उनको जो है उनसे जाके बात करनी है कि वी हैव अ लॉट ऑफ फर्नीचर, तो आप आके हमसे ले लें। बिकॉज हम लोग ऑनलाइन जो करस्पॉन्डेंस कर रहे थे वो उसमें तो बहुत देर लग रही थी, और यहाँ 2 मिनट की फासले पे था, तो हमने सोचा कि जाके ही उनको बोल देते हैं कि आ जाएं। तो दैट्स अबाउट इट, बस इतना ही काम है, फिर आप लोगों को दिखाएंगे आफ्टर आई एम डन विद माई वॉक। ये भाई मैंने भी सूटकेस ले लिया है, और ये मामा ने भी सूटकेस ले लिया है। अब हम लोग जा रहे हैं हार्ट फाउंडेशन। क्या खुशबू आई है सर, इतने ज़्यादा पिजन्स ब्रेड खा रहे मोटे मोटे। ये हम लोग भाई आ गए हैं ब्रिटिश हार्ट फाउंडेशन इन स्कंथॉर्प, और अभी आप लोगों को ज़रा अंदर से भी टूर कराते हैं। सो ये है जी ब्रिटिश हार्ट फाउंडेशन। ऑल द फर्नीचर यू सी हेयर, ये जब बिकेगा तो इसकी जो सारी अर्निंग्स होंगी वो सारी जो है हार्ट पेशेंट्स के ट्रीटमेंट के लिए दी जाएंगी, एंड द स्टफ़ इज़ ऑलमोस्ट एज गुड एज़ न्यू। चलिए जी गाइस, अब हम लोग आए हैं ये पाकिस्तान इन यूके एशियन मार्केट टू गेट कार्टन्स एंड सम स्टफ। मैडम क्या ले रही हैं आप? प्याज, प्याज, अनियन, अदरक, अनिया, अनिया ले रही हूँ। आलू कहाँ है? ये क्या है? व्हाट इज दिस? कैसावा? कैसावा? नो आइडिया। ये क्या है? फ्रेश कोलरबी? ये क्या क्या चीज़ें हैं मम्मा? चाओ चाओ, आलू तो बहुत ज़्यादा है, मुझे कम चाहिए। तो आप खुले नहीं इनके पास? वाइट स्वीट पोटैटो, अरबी गोश्त बनाना? नहीं नहीं, बिरयानी बना लो। हाँ बिरयानी जब वो साथ छोटी छोटी सी शैलॉट्स नहीं मिले आपको? और ये देखें जी, रसगुल्ला, छमछम, पिस्ता बर्फ़ी, गाजर हलवा, खोया बर्फ़ी, पतीसा, सब है वे, सब एवरीथिंग। हम लेते हैं ज़रा मेरी फेवरेट रूबीकॉर्न मैंगो। जब भी रूबीकॉर्न मैंगो लेती हूँ ना, मुझे असमत याद आ जाती है, बिकॉज आई मेंशन इन वन ऑफ माय वीडियोस दैट आई लाइक रूबीकॉर्न मैंगो, एंड द नेक्स्ट डे शी ड्रॉप्ड अ होल कार्टन एट माय अपार्टमेंट। शागी, वेयर डू यू कीप डिसअपीयरिंग? मैं बिरयानी का सामान चीची दिला दो। ये
ये भाई वापस आ गया. आई एम हैविंग माय एग एंड वाटर क्रेस सैंडविच ऑन माल्टेड ब्रेड एंड साथ में पेरिनेस. चलिए जी गाइस, काम शाम करके वॉक शॉक से आके अब हम लोग पी रहे सूप, साथ में देख रहे हैं खई. अब पूरा लग रहा है हमने ड्रामा आज ही देखना है. चलिए जी गाइस, टाइम फॉर डिनर. आई फील लाइक दिस वीडियो हैज़ जस्ट बीन अबाउट मेरा खाना बनाना एंड दैट्स अबाउट इट. बट जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, कुछ और हो ही नहीं रहा काम करते हुए आपको क्या दिखाएं. बट इंशाल्लाह एक दो तीन दिन में वील बी डन विद वर्क एंड देन वील गो टू हयाज़. और फिर बहुत मज़े के व्लॉग्स जो हैं वो आएंगे. अभी जो है, क्योंकि हम लोग खाना एज सच पकाते नहीं हैं. मम्मा ने एक दिन कढ़ाई बनाई थी, मैंने बताया था, वो काफ़ी दिन चल गई थी. वी डोंट रियली वॉन्ट हर टू कुक बिकॉज़ ऑलरेडी इतना काम करी होती हैं वो पूरा दिन, तो खामखा में यू नो जस्ट पुटिंग एक्स्ट्रा प्रेशर ऑन हर. तो कुछ पैकेज फूड वगैरह हम लोग ले आए थे सेंसबरीज से, वही खा रहे हैं. आज अस्मा आई थी, शी बॉट वेरी यमी फूड फॉर अस एज वेल. तो डे टू ऑफ मेकिंग रेवियोली. आज जो है मैं प्रॉन रेवियोली बना रही हूँ, प्रॉन चिली एंड गार्लिक रेवियोली, ठीक है ना. तो वो बनाते हैं. और मैंने और मम्मा ने जो है पूरा ही ऑलमोस्ट खाई बिंज वॉच कर लिया है. हम लोग लास्ट एपिसोड पे, मैं बोला लास्ट एपिसोड मतलब अभी तक जितने आए, सेवन्थ एपिसोड देखने से पहले ज़रा कुछ खाने के लिए ले आते हैं, पहले वो खाते हुए देखेंगे. अच्छा जी गाइस, सो अनफॉर्चुनेटली आई एम हॉरिबल एट रीडिंग लेबल्स एंड व्हेन आई गॉट दिस मैंने ये नहीं देखा. सो दिस इज़ गोना गो टू द चैरिटी फूड ड्राइव टुमारो. थैंकफुली मेरे पास ये भी पड़ी हुई थी तो ये खा लेते हैं. चलिए जी, आज थोड़ा रेवियोली का सूप बन गया है. सॉस मुझसे थोड़ी ज़्यादा पतली हो गई है. अब जरा वॉच करते हैं अपना फाइनल एपिसोड ऑफ खई. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू डे, अ न्यू डे ऑफ दिस व्लॉग. बिकॉज ऑनेस्टली मुझे अब ट्रैक नहीं है, बट मुझे लग रहा था जैसे व्लॉग में अभी तक कुछ सब्सटेंस नहीं है तो मैं एंड नहीं करना चाह रही थी. आज मैं पेट शॉप, पहले मैंने सोचा था कि मैं यहीं एंड कर दूंगी बिकॉज कुछ समझ ही नहीं आता, बट आज मैंने सोचा था पेट शॉप जाऊंगी तो सोचा आप लोगों को थोड़ी पेट शॉप भी दिखा देते हैं, जिस तरह से कल हार्ट फाउंडेशन और वो सब दिखाया था. बस कल जो है काफ़ी बिजी डे रहा, काम के साथ साथ जो है ब्लिसफुल की सेल और नए प्रोडक्ट लॉन्च, वो सारी चीज़ें यहाँ से नेविगेट करना काफ़ी मुश्किल था, बट अल्हम्दुलिल्लाह हो गया. तो आज जो है हमारे एजेंडा पे ये है कि होपफुली हम लोग और बहुत ज़्यादा घर क्लियर करेंगे काफ़ी, एंड कल जो है प्रॉबेबली हमारा फर्नीचर भी क्लियर हो जाएगा एंड वी शुड बी एबल टू गेट रिड ऑफ इट एंड देन तीन चार दिन में गो टू हया इंशाल्लाह. उससे पहले तो भाई बड़ी कॉफ़ी की तलब हो रही है, वो चल के पीते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा पानी पियेंगे ताकि ज़रा हाइड्रेटेड रहें. आज भी इंशाल्लाह मैं वॉक पर जाऊँगी अपनी, बिकॉज वज़न का भाई बुरा हाल हुआ है. एंड इंशाल्लाह वापस जाके कुछ दिनों में रमज़ान होगा तो दैट विल हेल्प मेक थिंग्स अ लॉट ईजियर इंशाल्लाह. तो चलें जी, सबसे पहले चल के कॉफ़ी बनाते हैं. मैं नॉर्मली बहुत ज़्यादा वज़न के ऊपर जाना स्ट्रेस नहीं करती बिकॉज़ वज़न जो है वो आने जाने वाली चीज़ है. अल्हम्दुलिल्लाह जब भी मैंने ट्राई किया है, थोड़ा ऊपर नीचे हुआ है वेकेशंस के बाद, तब कर लेती हूँ कम. बट दिस टाइम आई फील है कुछ ज़्यादा ही हो गया है. आई एम एट माई हाइस्ट दैट आई हैव एवर बीन. और वो मुझे थोड़ा सा डरा इसलिए रहा है बिकॉज आई हैव स्ट्रगल्ड विद ओबेसिटी फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम ऑफ माई लाइफ. और वो भी इसी तरीके से, वहाँ तक मैं इसी तरीके से पहुँची थी कि बस हाँ थोड़ा अभी एक ही किलो बढ़ाए, दो ही किलो बढ़े, तीन ही किलो बढ़े, करते 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 105 हो गया. तो आई डोंट वांट दैट टू हैपन अगेन. यहाँ पे ऑब्वियसली वी आर ईटिंग पैकेज्ड फूड और वी आर लिविंग ऑफ पैकेज फूड. हया के घर जाती हूँ तो हया इतनी बड़ी बड़ी प्लेटें भर के दे देती है और फिर बंदे को खानी भी पड़ती हैं, कुछ छोड़ भी नहीं सकते, इतने प्यार से बनाया बहन ने. तो यहाँ पे इस उस लिहाज से बड़ा मुश्किल हो रहा है. हालांकि जब मैं अपने प्लैब 2 के लिए आई थी, आई वाज लिविंग ऑन माय ओन इन माय अपार्टमेंट, तो तब तो इंस्टेड ऑफ गेनिंग वेट मेरा काफ़ी वज़न कम हुआ था मैं गई थी यहाँ से. बट अभी जो है थोड़ा मुश्किल हो रहा है बिकॉज लाइक आई सेड कि घर वर की चीज़ों के साथ जो है खाना पकाना मुश्किल है घर का. तो वी नॉर्मली ईट पैकेज फूड, वो ज़रा सोडियम में भी हाई होता है रोज़ रोज़ के लिए, उससे थोड़ा वाटर वेट भी बढ़ता है, तो वो सारी चीज़ें. बट इंशाल्लाह आई एम होपफुल कि अगर बढ़ाओ नहीं तो कोशिश कर रही हूँ कि कम अज़ कम मेनटेन कर लूँ एंड देन वापस जाके इंशाल्लाह आई लूज़ द वेट इन रमज़ान होपफुली. चल के कॉफ़ी पीते हैं. चले जी, कॉफ़ी हमारी रेडी हो गई है. चलें जी गाइस, ये कुछ अली ने पार्सल मंगवाए हुए थे यूनिक्लो चार्ल्स
आई हैव नो आइडिया दिस इज़ अमेज़ॉन, तो मैंने सोचा इनकी तो यहाँ ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो मैं ज़रा पैक ही करके रख देती हूँ उनको. आई गेट दैट वी आर फ्लैट फुटेड, बट अली कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा हो गया है विद द सोल्स. चलिए जी, टाइम फॉर ब्रेकफास्ट. नाश्ते में हम खा रहे हैं एक मल्टीग्रेन टोस्ट, टू स्क्रैम्बल्ड एग्स और ऊपर थोड़ा सा चिली चीज़, अबाउट 5 grams. Very filling and nice. आज हम लोग ज़रा सन तो कोई इतना नहीं है बट ठंड इन्जॉय कर रहे हैं साथ में. मम्मा तो अपना नाश्ता ख़त्म ही कर चुकी हैं. मैं आपका वेट कर रही हूँ. ये वेट कर रही हैं? ये तो चिड़ियों को डालने वाला रह गया. शुरू करो ना. अच्छा जी गाइस, सो नहा धो के जो है मैं स्किन केयर करके तैयार हो गई हूँ. अब जरा हम वापस काम पे लग गए, बिकॉज़ हेल्प भी आई हुई है, तो हमने सोचा कि साथ साथ सारा काम करें. सो सीन अब ये है कि डैडी के दोस्त हैं अहमद अंकल, वो यहीं पे रहते हैं. उन्होंने बोला है कि बहुत सारी छोटी मोटी चीज़ें जो हैं वो अब घर के बाहर रख दें, बहुत लोग ऐसे ही ले जाएंगे उठा के. ये सब जो है हमने रख दिया है, साथ में फ्री टू कलेक्ट का पर्चा भी लगा दिया है. तो ये छोटा मोटा फर्नीचर जो है, और उस पर यह भी लिख दिया कि अगर अंदर आके आप लोगों को देखना हो तो अंदर आके भी देख लें, अंदर भी बहुत कुछ है. तो यहाँ पे बड़े मसले हैं, यहाँ के ऐसी पाकिस्तान की कदर आती है ना, बिकॉज़ लिटरली मुफ्त में भी चीज़ें दे रहे हैं और कोई लेने को नहीं है. ज़रा भूख लग रही थी तो सोचा कि हम खाते हैं जुलेखा क्रिस्पी बैटर्ड फिले चंक्स इन द एयर फ्रायर. जी गाइस, आज तो काम का प्रेशर कुछ ज़्यादा ही लग रहा है और ऐसा नहीं लग रहा कि मैं पेट शॉप भी जा सकूँगी, आप लोगों को दिखा सकूँगी. तो इंशाल्लाह अगले व्लॉग में जब भी गई तो वो दिखाऊंगी. अभी आई एम साइनिंग ऑफ. अपॉलोजीज फॉर द वेरी बोरिंग, वेरी नॉट सो सब्सटेंस वाला व्लॉग, बट इंशाल्लाह वंस वी आर डन हियर दे विल गेट अ लॉट बेटर. आप लोगों से मुलाकात होती है एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.